नमस्कार, द टीचर शो के एपिसोड नंबर 5 में एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। आज हम आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को लेकर के आ रहे हैं जो पेशे से राजकीय इंटर कॉलेज गदरपुर में प्रवक्ता हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिससे लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, गुदगुदाते हैं। वो लोगों को खुशियां बांटते हैं और लोगों को अपनी खुशियों में शामिल करते हैं। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के मेहमान और हास्य और व्यंग के बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर डॉक्टर जयंत शाह जी से। शाह जी नमस्कार। नमस्कार भट्ट जी और द टीचर शो देखने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और हमारे साथ रोज की तरह शो में शामिल है वन एंड ओनली मुकेश कुमार बहुगुणा जी और मिर्ची बाबा। मिर्ची बाबा का स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद, कैसे हैं आप? शाह जी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, मिर्ची बाबा को भी हमारा सादर नमस्कार। आपका व्यंग हम पढ़ते रहते हैं। आप तो जादूगर लग रहे हैं बिल्कुल, लेकिन जो लॉकडाउन की ये वेशभूषा है। और दिल्ली से हमारे साथ एक बार फिर से हैं हमारे एक्सपर्ट श्री गिरीश जोशी जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो सभी को गिरीश जी का भी हार्दिक आभार। नमस्कार। मैं इससे पहले भी शाह जी को आमंत्रित करूं, शाह जी के बारे में बताना चाहूंगी कि जयंत शाह जी, जैसा कि मैंने पूर्व में सूचित किया आप सभी को, राजकीय इंटर कॉलेज गदरपुर में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत है और हमने कई सालों से उनको देखा है। वो पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के बहुत बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में जाते हैं और अपनी हास्य और व्यंग की कविताओं से पूरे देश में कवि को हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं। तो हम शाह जी के शो में स्वागत करते हैं। कल हमारे साथ दुर्भाग्यवश श्री गिरीश जोशी जी तकनीकी कारणों से नहीं जुड़ पाए थे, आज फिर से जुड़े हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। धन्यवाद। तो शाह जी, उद्घाटन समारोह बिस्मिल्लाह किया जाए। बिल्कुल। शाह जी साजी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? साजी शायद कुछ तकनीकी कारणों से हमसे अभी नहीं जुड़ पाए हैं, डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तब तक मैं गिरीश जोशी से निवेदन करूंगा कि उन्होंने जो सवाल कल पूछे थे उनके जवाब हमारे दर्शकों को बताएं और आज के सवाल साथ में पूछेंगे श्री जोशी जी। मेरे पास, मैंने तो आपको भेज दिए थे, मेरे पास है नहीं, लेकिन आप सवाल बताते जाइए, मेरा आंसर मैं बता दूंगा आप। ठीक है सर। अच्छा, आपके पास उसकी कॉपी नहीं है? चलिए सर, मैं अभी उसको लाइव करूंगा सवालों को थोड़ी देर में। साजी, साजी हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं सर, कुछ तकनीकी समस्या रही है। तो सवालों के सवाल यदि आपके पास हैं तो बता दीजिए, मैं आपको उत्तर दे दूंगा। जी जी, मैं सवाल बता रहा हूँ सर आपको, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। नेटवर्क मेरा भी आज बोल रहा है। भुवनचंद जोशी जी नमस्कार कह रहे हैं, उनको भी नमस्कार। मोहन चौहान जी भी आ गए हैं हमारे मित्र। मोहन चौहान जी को भी नमस्कार। मोहन चौहान जी बहुत अच्छे कला के शिक्षक हैं और कला के मतलब खाली ऐसे नहीं, मतलब दिल से भी कलाकार है और खुद बच्चों के साथ में और आसपास के गांव वालों के साथ में मिलकर के समाज के साथ में मिलकर के उन्होंने अपने स्कूल के लिए बहुत ही बढ़िया काम किए हैं। मोहन चौहान जी को नमस्कार। नमस्कार। स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं आपको? नहीं दिखाई दे रहे होंगे, कुछ लोग मेरे उसमें भी है। हाँ, आपके भी उसमें है, दोनों में है अभी। आज नेटवर्क थोड़ा स्लो है। सर वो सवाल आपके व्हाट्सएप में अभी होंगे तो उसमें से सवाल आप सर। जी जी, आपके व्हाट्सएप में होंगे सर वो। हाँ, मेरे व्हाट्सएप में। जयंत शाह जी जुड़ चुके हैं हमारे बीच। शाह जी, आप कनेक्टेड है? जी जी जी
अभी आवाज आ रही है। मुझे तकनीकी कारणों से आपसे मैं थोड़ा सा विच्छेदित हो गया हूँ, पुनः आप सभी का आभार करता हूँ। और मोबाइल के जी मोबाइल के इस युग में, क्योंकि आपने एक लाइव शो की शुरुआत की है, बहुत अच्छी शुरुआत है ये। और जिस तरह से लॉकडाउन में हम लोग अपने घरों में कैद थे, और निश्चित रूप से इस तरह के लाइव कार्यक्रम से हमारी जो रचनात्मकता है वो सबके सम्मुख आ पाती है और हम सबसे जुड़ पाते हैं। ऐसे समय में लोगों से जुड़े रहना बहुत आवश्यक हो गया है कि जहाँ हम एक वैश्विक महामारी के शिकार होते जा रहे हैं। मैं सबसे पहले आप सभी सर जी इसी पर चार लाइनें मैं आपके स्वागत के लिए मैंने लिखी हैं। जी स्वागत है आपका, स्वागत के लिए लिखी है। कोरोना के इस महामारी के काल में आपके लिए लिखी है कि जो जिंदगी में रंग था वो स्याह हो गया। जी जो जिंदगी में रंग था वो स्याह हो गया जी। कोरोना में निकलना भी गुनाह हो गया। जो जिंदगी में रंग था वो स्याह हो गया, कोरोना में निकलना भी गुनाह हो गया। वो कागजों पर बस कलम घसीटता गया जी, कागजों पर बस कलम घसीटता गया, और एक दिन वो यूं जयंत सा हो गया। वाह 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 वा, बहुत बहुत आभार आपका भट्ट जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपका ये द टीचर शो। निश्चित रूप से मुश्किल के इस दौर में जहाँ लोग अपने अपने घरों में कैद है, उनको अपनी ओर जोड़ने का एक बहुत बढ़िया माध्यम है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो मैं आपके इस कार्यक्रम के लिए सबसे पहले तो आपको, मुकेश बहुगुणा जी को जो मिर्ची बाबा के नाम से मशहूर है, आप सबका विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ। आइए चार पंक्तियों के साथ मैं जोड़ता हूँ। लॉकडाउन रहा है, कोरोना रहा है, और आप सब जानते हैं कि कोरोना काल में बहुत विकट हो जाता, बहुत विकट समस्या हो जाती है हास्य कवि के लिए कि वो कैसे हास्य को निकाले। और हास्य कवि कहीं बाहर से कुछ नहीं लिखता है, जो भी अपने आसपास समाज में देख पाता है, जो उसको महसूस करता है, जैसा वो जीता है, उसी में से ही हास्य निकालना पड़ता है। कि मई का महीना भी बीत गया फोन में। जी भट्ट जी सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो हम आपको सुन रहे हैं, जारी रखिए सर, आप जारी रखिए, हम सुन रहे हैं आपको। जी भट्ट जी देखिए क्या हो गया है कि लॉकडाउन में हम सब मोबाइल पर ही अधीन हो गए हैं, सारा काम मोबाइल पर होने लगा है। पर चार पंक्तियां मैं देना चाहता हूं कि मई का महीना भी बीत गया फोन में, और इनकम से ज्यादा कट गया लोन में। कि मई का महीना भी बीत गया फोन में, इनकम से ज्यादा कट गया लोन में। छोड़ो मिलना मिलाना हमारा तुम्हारा, हम ग्रीन जोन में तुम रेड जोन में। तो कैसी आभार प्रकट करता हूँ, कैसी कैसी स्थितियां पैदा हो जाती है साहब। कोरोना का काल है ये, आप सब जानते हैं कि हिंदी कविता को कई कालों में विभाजित किया गया है, जैसे आदि काल है, भक्ति काल है, और श्रृंगार काल है, वैसे ही आज कोरोना काल है। और कोरोना काल में कविताएं लिखी भी नहीं जा रही है, बल्कि सुनाई भी जा रही है। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कवि जो है लाइव है, और जो भी प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब मंच पर कवि होता है तो तालियों के माध्यम से हमें प्रतिक्रिया मिलती है, और लाइव सेशन में आपके पास बटन है, लाइक का भी है, और लाफ्टर का भी है, कमेंट्स भी है, वो सारे बटन सारे कमेंट्स के माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं। आइए मैं पुनः जोड़ता हूँ कि कोरोना के काल में क्या क्या स्थितियां बनती है। देखिए मिर्ची बाबा जी को सादर नमन करते हुए चार पंक्तियां देना चाहता हूँ कि कभी कभी गले से लगाया था जिन्होंने बरातियों के साथ। देखिए कोरोना काल में ससुराल में क्या स्थिति पैदा हो गई है कि कभी 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 गले से लगाया था जिन्होंने बरातियों के साथ। बैंड बाजा दीप और आरतियों के साथ, और लॉकडाउन के बुरे दिनों में पैसे क्या मांग लिए उधार, सालों ने मेरा नाम लिखवा दिया जमातियों के साथ। तो कैसी कैसी विकट परिस्थितियां होती है। मुझे लगता है कि लाइव सेशन में एक, चूंकि ये जियो नेटवर्क की देन है, कई बार हम डिस्कनेक्ट भी हो जाते हैं,
मगर डिसकनेक्ट के बावजूद भी अच्छा लग रहा है, मुस्कुरा रहे हैं भट्ट जी, और भट्ट जी की टोपी तो शानदार है आज, बहुत जम रहे हैं भट्ट जी, अब बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। पर कहना चाहता हूँ कि उर्दू के एक शायर निदा फाजली साहब ने कहा है, तवज्जो चाहिए आपका, निदा फाजली साहब ने कहा है कि अपना अपना गम लेकर कहीं और ना जाया जाए, अपना अपना गम लेकर कहीं और ना जाया जाए, घर में बिखरी चीजों को सजाया जाए, और घर से मस्जिद है दूर, चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चों को हंसाया जाए। निश्चित रूप से हंसना हंसाना बहुत कठिन काम है, और ऐसे समय में आप लोग जहाँ की तमाम समस्याएं देश में, चाइना की एक समस्या है, टीटी की एक समस्या है, कोरोना की भी एक समस्या है, ऐसे समय में बैठ करके आप मेरी कविताओं का आनंद ले रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले तो मैं आप सबको पुनः प्रणाम करता हूँ, और चार पंक्तियां देना चाहता हूँ अपनी परिचय का, कि हंसना हंसना और हंसाना काम है मेरा। मैं किस काम के लिए जाना जाता हूँ साहब, कि हंसना हंसना और हंसाना काम है मेरा, जयंत शाह उत्तराखंडी नाम है मेरा, हंसना और हंसाना काम है मेरा, जयंत शाह उत्तराखंडी नाम है मेरा, और मुझे क्या लेना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से, आपके खिलखिलाते चेहरे चारों धाम है मेरा। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छा लग रहा है, दिल्ली से हमारे भी जुड़े हुए हैं, आपका पुनः आभार प्रकट करता हूँ, और आइए आइए, अगर भट्ट जी का आदेश हो तो एक कविता की तरफ लिए चलता हूँ। क्या भट्ट जी, क्या भट्ट जी मेरी आवाज बराबर आ रही है और ठीक आ रही है? आपकी मूंछों से पता लग रहा है कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, और बहुत शानदार संचालन कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। आइए कविता की तरफ मैं लिए चलता हूँ। कविता क्या है कि दरअसल विज्ञापन पर केंद्रित है, और जैसा कि आप सब जानती है कि विज्ञापन की भाषा किस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर रही है, उसी के इर्द गिर्द है कविता। विज्ञापन, जैसा कि आप जानते हैं भट्ट जी, कि आपका प्रोडक्ट अंदर से कितना ही शक्ति कपूर क्यों ना हो, आपका प्रोडक्ट अंदर से कितना ही शक्ति कपूर क्यों ना हो, मगर बाहर से उसे करीना कपूर की तरह चकाचक दिखाना पड़ता है। यानी विज्ञापन का मूल मंत्री है उल्लू बनाया और बड़ा मजा आया, मगर विज्ञापन के स्लोगन होते हैं नो उल्लू बनाविंग, नो उल्लू बनाविंग, जब तक आप सब लोग ताली नहीं बजाओगे मैं यही पढ़ता रहूंगा, नो उल्लू बनाविंग, नो उल्लू बनाविंग। सही कह रहे भाई साहब, कैसे कैसे विज्ञापन भट्ट जी, वो हमारे मोहल्ले का एक नल्ला लड़का, नल्ला आप समझते होंगे, वो हमारे मोहल्ले का नल्ला लड़का 2 महीने के लिए भाई साहब वो मुंबई क्या चला गया, 2 महीने बाद मुंबई से लौट कर आया तो सारे लोग कहने लगे नल्ला तो बड़ा आदमी बन गया, अरे नल्ला तो बड़ा कामयाबी हासिल कर ली। मैंने नल्ले को बुलवाया और कहा कि नल्ला ये बता तेरी कामयाबी का राज क्या है, आखिर तू बड़ा कैसे हो गया, तो नल्ला गुटका खा गया था, गुटका गुटका थूकते हुए बोला हमारी कामयाबी का बस इतना सा फसाना, हमारी कामयाबी का बस इतना सा फसाना, मुंह में रजनीगंधा और कदमों में जमाना। देखिए किस तरह से विज्ञापन की भाषा हमारी चीजों को बदल रही है, हम विज्ञापन के आदि होते जा रहे हैं। तब कहना पड़ता है कि चारों चारों तरफ मचा हुआ है भीषण हाहाकार, मैं हास्य के साथ व्यंग्य का कवि भी हूं, और हमारे बीच व्यंग्य के बहुत बड़े उस्ताद कहे जाएंगे गद्यकार जो मिर्ची बाबा जी बैठे हुए हैं, मैं आपको पुनः नमन करता हूँ और चार पंक्तियां व्यंग्य की सौंपता हूँ आपके हवाले से। कहना चाहता हूँ कि चारों चारों तरफ मचा हुआ है भीषण हाहाकार, कहीं कोरोना तो कहीं टिड्डी का प्रचंड प्रहार, कि चारों चारों तरफ मचा हुआ है भीषण हाहाकार, कहीं कोरोना तो कहीं टिड्डी का प्रचंड प्रहार, कहीं भूख कहीं गरीबी, कहीं भूख कहीं गरीबी तो कहीं बेरोजगारी से पूरा देश जल रहा है, मगर टीवी खोलिए तो पता चलता है अपने देश में तो सिर्फ फौगी चल रहा है। तो कैसी स्थिति बनती है साहब, विज्ञापन के हम किस तरह से आदि हो गए हैं, तब कहना पड़ता है मिर्ची बाबा जी को सादर नमन करता हूँ, आप प्रकट हो गए, बस बस हमें तो चार लोग मिल गए साहब, हमारे लिए तो 400 श्रोता मिल गए।
और मैं जानता हूँ आप 400 से कम नहीं है। विज्ञापन का हाल देखिए, अजब गजब किससे विज्ञापन के, कि अजब गजब ढंग है विज्ञापन के और अजब गजब है खेल, और सदी का महानायक भी बेचते फिर रहे घर घर नवरत्न तेल। अच्छा अच्छा, वो सदी का महानायक बाबा, आपका आशीर्वाद मिल गया है मिर्ची बाबा का, और क्या कहने हैं। कि देखिए विज्ञापन की स्थिति कैसी हो गई है, कि अजब गजब ढंग है, अजब गजब ढंग है विज्ञापन के और अजब गजब है खेल, सदी का महानायक भी बेचते फिर रहे घर घर नवरत्न तेल। अच्छा, जो काम सदी का महानायक करे और हमारा किंग खान उस पे आए ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो हमारे हिंदी में कहावत है ना, खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग बदलता है, तो हमारे किंग खान ने तो और लंबी छलांग लगा दी ठेली, उन्होंने तो स्लोगन ही दे डाला कि इसको लगा डाला तो लाइट छिंगा डाला। हालांकि हमने भी लगाया ठहरा, मगर सही कह रहा हूँ दोस्तों, लाइट झींगा लाला नहीं हुई, उल्टा जो है चार्ज और रिचार्ज के चक्कर में जेब जरूर ढीली हो गई है। आइए मैं उसी कविता की तरफ लिए चलता हूँ, ये पूरी भूमिका थी और इस कविता का शीर्षक ही यही है कि इसको लगा डाला तो लाइट झींगा लाला। आखिर इस कोरोना काल में मिर्ची बाबा जी आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, आखिर इस कोरोना काल में हमारे पास ऐसी क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे कि हमारा जीवन, जिससे कि हमारी लाइफ झींगा लाला हो जाए। अगर आपका आदेश हो तो मैं कविता शुरू करता हूँ। झींगा लाला हुम हुम कि जीवन, वाह वाह वाह, आपने किशोरदा के गाने की याद दिला दी। किशोरदा मेरे गुरु है और सिर्फ गायक के रूप में नहीं, जी किशोरदा ने जिस तरह से अपने जीवन को दिया है जी। आपकी कविताएं सुन के मेरे पेट में हंसते हंसते दर्द हो गया, इसलिए मैं अपना पेट थोड़ी देर के लिए बाहर रखा हूँ। अरे स्वागत है, स्वागत है। ऐसा है कि हमें तो भाई तीन श्रोता मिल गए, हमारे लिए तीन श्रोता 300 के बराबर है, तो कहीं मत जाइएगा, मैं शुरू करता हूँ कविता। देख रहे, बिल्कुल देख रहे हैं, लेकिन जो सामने प्रतिक्रिया मिल रही है वो मिर्ची बाबा साक्षात यहाँ पर मौजूद है। आज तो मैं धन्य हो गया प्रभु। आइए मैं कविता शुरू करता हूँ, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ। तकनीक की वजह से मैं आप तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ, मगर आप सबकी प्रतिक्रिया के माध्यम से मैं बाद में इस लाइव सेशन को जब देखूंगा तो जरूर आपके कमेंट्स की मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। आइए मैं कविता की तरफ जोड़ता हूँ कि आखिर क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे हमारा लाइफ झींगा लाला हो जाए। कि जीवन जीवन में नहीं आस, रिश्तों में विश्वास। जीवन जीवन में नहीं आस, रिश्तों में विश्वास। गार्डन में पौधे हरे हरे, जवानी में सपने बड़े बड़े। कि जीवन जीवन में नहीं आस, रिश्तों में विश्वास। गार्डन में पौधे हरे हरे, जवानी में सपने बड़े बड़े। बचपन दादा दादी के पास, और बुढ़ापे में झंडू चवन प्रास। यानी 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 इतना इंतजाम अगर कर डाला तो समझो लाइफ झींगा लाला। यानी 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 इतना इंतजाम अगर कर डाला तो समझो लाइफ झींगा लाला। नौकरी थानेदार की, जात भ्रष्टाचार की। अब देखिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए लाइफ झींगा लाला करने के लिए। वो हमारे यहाँ कहावत है साहब, तो पहाड़ में एक SSP साहब ने किसी बूबू की हेल्प कर दी, तो बूबू ने उनको बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दिया कि बेटा एक दिन तू बड़ा आदमी बन जा। तो SSP साहब ने उत्सुकता बस पूछ लिया कि बूबू ये बताओ कितना बड़ा बन जाऊंगा, तो बूबू ने कहा कि बेटा एक दिन तू भी पटवारी बन जा। तो ये स्थिति है, पहाड़ में पटवारी सबसे बड़े होते हैं। तब पंक्तियां सौंपता हूं सुनना, कि नौकरी नौकरी थानेदार की, जांच भ्रष्टाचार की। मोबाइल नए से नए एप्पल के, फ्रेंडशिप फेसबुक से जरा हट के। पत्नी नवरत्न तेल, यानी ठंडा ठंडा कूल कूल। अच्छा, हर आदमी चाहता है कि पत्नी मेरी बिल्कुल नवरत्न तेल की तरह हो, बिल्कुल कूलेस्ट। वो एक लड़के की शादी हुई, दो दिन बाद ही अपने ससुर से जाकर के लड़ बैठा, बोले आप तो कह रहे थे कि हमारी बेटी तो गाय है, बिल्कुल भोली है, बिल्कुल सीधी है, मगर वो तो शेरनी निकली, वो भी भूखी, बात बात पर झपट पड़े। तो ससुर ने उसे धीरज बंधवाते हुए कहा कि बेटा बेटा तेरे पास तो बेटी है, जरा मेरी तरफ सोच, मेरे पास तो उसकी भी माँ है। नौकरी नौकरी थानेदार की, नौकरी नौकरी थानेदार की,
जात भ्रष्टाचार की मोबाइल नए से नए एप्पल के फ्रेंडशिप फेसबुक से जरा हटके पत्नी नवरत्न तेल यानी ठंडा ठंडा कूल कूल सालिया सिने स्टार्स की तरह लक्स ब्यूटीफुल रोटिया आइडेक्स की जैसी जिसमें हो माँ के स्पर्श का जादू कार ससुराल से सहायता प्राप्त BMW। देखिए थोड़ी सी बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए कि रोटिया रोटिया आइडेक्स की जैसी जिसमें हो माँ के स्पर्श का जादू कार ससुराल से सहायता प्राप्त BMW और उस कार में तेल डलवाए और उस कार में तेल डलवाए जब भी आए साला यानी 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 इतना इंतजाम अगर कर डाला तो समझो लाइक झींगा लाला यानी 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 इतना इंतजाम अगर कर डाला तो समझो लाइक झींगा लाला। आदि की पंक्तियां सोचता हूँ भट्ट जी जी स्वागत है कि पड़ोस नेपाल जैसा पड़ोस पड़ोस नेपाल जैसा भोला भाला हालांकि आप पड़ोसी नेपाल भोला भाला रहा नहीं साहब वो मित्र राष्ट्र था कभी अब वो भी हमारे नक्शे छापने में लगा हुआ है नक्शेबाजी दिखा रहे हैं भाई साहब लेकिन हम मित्रता आज भी निभा रहे हैं और हमें आज भी गर्व है कि नेपाल जैसा मित्र राष्ट्र हमारे हमारे बिल्कुल नजदीकी हमारी पड़ोसी है। तब कहना पड़ता है कि पड़ोस नेपाल जैसा भोला भाला। अच्छा हर आदमी चाहता है कि पड़ोसी सीधा साधा हो मगर पड़ोसन नहीं तो पड़ोस पड़ोस नेपाल जैसा भोला भाला और पड़ोसन MDH का गरम मसाला पड़ोस नेपाल जैसा भोला भाला पड़ोसन MDH का गरम मसाला। वो एक कवि सम्मेलन में मैं था तो एक ओज के कवि आए उन्होंने बड़ी तमाम दिक्कतें बताई कि देश में बहुत सारी विसंगतियां है बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं बहुत ज्यादा सवाल है पाकिस्तान का मसला है कोरोना है। मैंने कहा भाई साहब बात सुनो दिक्कत कुछ नहीं है दिक्कत सिर्फ दो है इस देश में एक तो वो पार्ले जी वाली लड़की बड़ी नहीं हो रही है और दूसरा MDH वाला मुद्दा सटक ही नहीं रहा कि पड़ोस पड़ोस नेपाल कि पड़ोस नेपाल जैसा भोला भाला पड़ोसन MDH का गरम मसाला दोस्त LIC की तरह जिंदगी के साथ भी और बाद भी उधार डावर का हाजमोला खाया डकारा नहीं रहा कुछ याद उधार 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 डावर का हाजमोला खाया डकारा नहीं रहा कुछ याद भी बॉस इंडियन ट्रेन जो ऑफिस में अक्सर लेट आए बॉस बॉस इंडियन ट्रेन जो ऑफिस में अक्सर लेट आए बॉस की सेक्रेटरी फाउंटर पेन लिखते लिखते लव हो जाए। ये फाउंटर पेन का जिक्र आया मिर्ची बाबा के चेहरे पर हंसी लौट कर आई है कि बॉस बॉस इंडियन ट्रेन बॉस इंडियन ट्रेन जो ऑफिस में अक्सर लेट आए बॉस की सेक्रेटरी फाउंटर पेन लिखते लिखते लव हो जाए रिश्ते फेविकॉल की तरह अटूट जोड़ प्रेमिकाएं राजनीति के नए नए गठ जोर और विपक्ष दंड सौंपता मिर्ची बाबा को और विपक्ष जिसके मुंह पर लगा हो हरिसन का ताला यानी 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 इतना इंतजाम अगर कर डाला तो समझो लाइक झिंगा ला यानी 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 इतना इंतजाम अगर कर डाला तो समझो लाइव झिंगा लाला मगर 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 मेरे दोस्तों तब मत कहना लाइव झिंगा लाला जब भरी बाजार में किसी लड़की का दुपट्टा सरका नहीं कि लड़के कसने लगे फतिया और इस देश में स्कूल कॉलेज से ज्यादा दिखने लगे वृद्धाश्रम की बस्तियां। आइए पंक्तियां सौंपता हूँ यहाँ मैंने एक यू टर्न लिया है मेरे इस यू टर्न पर भट्ट जी आप सबका आशीष चाहिए। पंक्तियां सौंपता हूँ हास्य कविता क्या होती है हास्य कविता हास्य से शुरू होकर के अगर व्यंग की परिक्रमा करते हुए किसी संदेश पर पहुंचे तब आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कविता पढ़ता हूँ द टीचर शो में क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है साहब हंसने हंसाने के लिए तो कॉमेडी सर्कस के जोकर्स भी घूमते हैं कि हिंदी का मंच है हम हिंदी के पुत्र है हम हिंदी के सेवक है तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कविता सोचता हूँ कि मगर मेरे दोस्तों कि मगर मेरे दोस्तों तब मत कहना लाइव झींगा लाला जब भरी बाजार में किसी लड़की का दुपट्टा सरका नहीं कि लड़के कसने लगे फतिया और इस देश में स्कूल कॉलेज से ज्यादा दिखने लगे वृद्धाश्रम की बस्तियां। एक छोटी सी लघु कथा याद आती है वृद्धाश्रम की बात हुई है कि एक शहर में कपल रहते थे और कपल हम समझते हैं कि पति पत्नी और उनके एक अविवाहित बच्चे उनका डॉगी खो गया साहब तो उन्होंने अखबार में इश्तहार दिया और कुत्ते की फोटो भी छापी कुत्ता तो वो कहते ही नहीं थे उनका नामकरण होता था
कि अगर ये डॉगी कहीं मिल जाए तो सूचित करें, और जो सूचित करेंगे इस नंबर पर हम उनको उचित इनाम भी देंगे। अगले दिन वृद्धा आश्रम से फोन आता है साहब, और वो फोन ये आता है कि आपका डॉगी हमारे वृद्धा आश्रम में आपकी माँ से मिलने के लिए आ गया है, अगर आपके पास समय हो तो कृपया अपने कुत्ते को लेकर जाइए। तब पंक्तियां सौंपता हूँ कि मगर मेरे दोस्तों तब मत कहना लाइफ झींगा लाला, जब भरी बाजार में किसी लड़की का दुपट्टा सरका नहीं कि लड़के कसने लगे थपतिया, और इस देश में स्कूल कॉलेज से ज्यादा दिखने लगे वृद्धा आश्रम की बस्तियां। मगर मेरे दोस्तों तब मत कहना लाइफ झींगा लाला, जब इस देश के नौजवान शीला की जवानी और बदनाम मुन्नी की गलियों में मर मिटे, और इस देश के शहीदों की विवाहों के पास अपने बच्चों की फीस के पैसे ना जुटे। मगर मेरे दोस्तों तब मत कहना लाइफ झींगा लाला, मगर मेरे दोस्तों तब मत कहना लाइफ झींगा लाला, जब आतंक से कढ़ा उठे कश्मीर की घाटिया, जब आतंक से कढ़ा उठे कश्मीर की घाटिया, कोर्ट में ही मार दी जाए जब इस देश की बेटिया, जब सत्ता के लिए दंगे होने लगे हिंदू मुसलमान में, और बंदे मातरम भी सांप्रदायिक लगने लगे हिंदुस्तान में। अगर मेरी बात पहुंच रही है आप तक तो मुझे सूचित कीजिएगा। कि मगर मेरे दोस्तों कविता देखिए मैं कहां से कहा, कि मगर मेरे दोस्तों तब मत कहना लाइफ झींगा लाला, जब आतंक से कढ़ा उठे कश्मीर की घाटिया, कोर्ट में ही मार दी जाए इस देश की बेटिया, जब सत्ता के लिए दंगे होने लगे हिंदू मुसलमान में, और बंदे मातरम भी सांप्रदायिक लगने लगे हिंदुस्तान में। मगर मेरे दोस्तों तब मत कहना लाइफ झींगा लाला, जब लोकतंत्र बन जाए उत्सव, जब लोकतंत्र बन जाए उत्सव पीड़ितों के चंदन का, और मीडिया भी गाने लगे गीत शासकों के अभिनंदन का, जब लोकतंत्र बन जाए उत्सव पीड़ितों के क्रंदन का, और मीडिया भी गाने लगे गीत शासकों के अभिनंदन का, जब सत्य अहिंसा और स्वदेशी नारा भर लगने लगे, और इस देश का अन्नदाता ही अन्न को तरसने लगे। मगर मेरे दोस्तों तब मत कहना लाइफ झींगा लाला, मगर मेरे दोस्तों तब मत कहना झींगा लाला, जब चारों तरफ हो झूठ का बोल बाला, और सत्य के मुंह पर लगा हो ताला। मिर्ची बाबा को समर्पित करते हुए आखिर की पंक्तियां, और जिस तरह की शुरुआत आपने दी थी उसी तरह से मुझे विदा करना इस कविता के माध्यम से। कि मगर मेरे दोस्तों तब मत कहना लाइफ झींगा लाला, जब चारों तरफ हो झूठ का बोल बाला, और सत्य के मुंह पर लगा हो ताला, तब विज्ञापन की दौड़ में आधुनिकता की होड़ में मत कहना मेरे दोस्तों लाइव झींगा लाला, लाइव झींगा लाला। बहुत बढ़िया सर जी, बहुत शानदार आपकी कविता है, जो हास्य से शुरू होकर के दंग की ओर जाती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जो जीवन की विसंगतियां, जो देश की विसंगतियां हैं उनके बारे में हमें सोचने पर मजबूर करती है। तो आपने एक सत्य शिक्षक सत्य कवि होने के नाते बहुत शानदार रचना की है। इसी से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ शाह जी कि हास्य कविता लिखते हैं, हास्य कविता हम चाहेंगे कि हमारे देख रहे हैं धन्यवाद भट्ट जी। आप पहले तो क्या मैं मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल पहुंच रही है। धन्यवाद भट्ट जी, आपने बहुत जायज सवाल उठाया आपने, और निश्चित रूप से एक तो पहली बात तो यह है कि कविता को नवरसों में विभाजित किया गया है और उसमें हास्य भी एक रस है, और हम सब जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास ने भी हास्य में पंक्तियां लिखी है। एक स्थिति ऐसी आई कि हिंदी में हास्य की कविताओं को लोगों ने जो खारिज कर दिया, बोले ये हल्के कवि होते हैं, लोगों को लगा कि बड़ा हल्कापन है। और उसके बाद एक स्थिति ऐसी आई है, लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बताता हूँ जी कि जी मिर्ची हल्का तो मिर्ची बाबा है ना, आप तो भारी भरकम लग रहे हैं, काफी भारी भरकम आदमी है, कहाँ हल्के कभी है आप आवारा बिल्कुल बिल्कुल मैं सही वो हास्य एक्चुअली में ये सेंस ऑफ ह्यूमर है। हम जिस समाज में जीते हैं वहां विसंगतियां हैं, और उन विसंगतियों को हम किस नजर से किस दृष्टि से देखते हैं उसको परखते हैं, और फिर उसको हम शब्दों में बांधते हैं,
ये अपना अपना एक कौशल है, लेकिन ये बात सही है कि हाथ से लिखना बड़ा कठिन है। मुझे याद है कि अशोक चक्रधर जी जो हास्य के बड़े कवि है, उन्होंने कहीं कहा है कि कठिन लिखना सरल है, कठिन लिखना सरल है और सरल लिखना कठिन। तो ये इतना आसान नहीं है कि अगर हम मंच पर है, आप खुद अच्छे एक्टर है, आप खुद अच्छे कवि है भट्ट जी, और मिर्ची बाबा जी के तो क्या कहने, आप तो व्यंग्य के बहुत बड़े हस्ताक्षर है, और अगर आपको कोई जिम्मेदारी दे दे कि आप स्टेज में जाएंगे और कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिससे लोगों के चेहरे पर हंसी आए, तो निश्चित रूप से बहुत टेंशन का काम हो जाता है और इतना आसान नहीं होता है। देखने में लगता जरूर है कि इन्होंने बहुत ही हल्केपन में कर दिया है, लेकिन इसके पीछे अगर डेप्थ से आप जाएंगे तो इतना आसान नहीं है। पास पास विषय है, उसी विषय को लेकर के आपकी एक दृष्टि पैदा हो जाती है तो झिंगा लाला जैसी कविता बन जाती है। बहुत धन्यवाद साजी आपका। जी स्वागत है कि मैं हमारे दो और पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, मिर्ची बाबा बहुगुणा जी और जोशी जी। आप लोग सर कुछ कहना चाहेंगे, कुछ अपनी बात रखना चाहें तो स्वागत है आपका। जी जी स्वागत है बिल्कुल। मुझे लगा कि किसी स्थिति को व्यंग्यकार बड़ी अच्छी तरह स्पष्ट करता है और ऐसा भिगो भिगो के समझाता है कि सारे तार संकृत हो जाते हैं। मुझे याद है एक कविता जो मैंने बचपन में पढ़ी और मुझे याद हो गई। हमारे देश में पर्यावरण सप्ताह मनाया जाता है, ये सप्ताह मनाया जाता है, वो सप्ताह मनाया जाता है, तो ये सप्ताहों की श्रृंखला चली तो ये हुआ कि डाकघर विभाग जो है पोस्टल डिपार्टमेंट, उसने सोचा कि हम भी डाकघर सप्ताह मनाते हैं, और डाकघर सप्ताह मनाते मनाते हम जितने पोस्ट ऑफिस में पूरे देश में जितने लेटर्स हैं लाखों की संख्या में, उस डाकघर सप्ताह में हम उनको पते तक पहुंचाएंगे। तो दिल्ली के कवि होंगे, कवि थे श्री हुल्ला मुरादाबादी, आपने नाम सुना होगा शायद। हुल्ला मुरादाबादी जी ने 10 लाइनें लिखी, पोस्टमैन डाकघर विभाग अपनाया, उन्होंने लिखा पोस्टमैन, पोस्टमैन मेरे पास आया मेरी ओर देख के मुस्कुराया, बोला बाबूजी आज तो ऐसी खबर लाया हूँ बाग हो जाएंगे और असली घी के चिराग जलाएंगे, मगर ऐसे नहीं दूंगा, पहले 5 दूंगा और फिर दूंगा। तो मैंने खुशी खुशी में उसे 5 का नोट दिया और पत्र पढ़कर अपना माथा पीट लिया। पत्र पर 60 साल पहले की मुहर थी और उसमें मेरे पैदा होने की खबर थी। तो वो एक बहुत व्यंग उन्होंने, मुरादाबादी जी ने बहुत अच्छा व्यंग बनाया कि ये होता है करके। जी बिल्कुल, व्यंग जो है विसंगतियों से ही उत्पन्न होता है, और अगर हम अगर देखेंगे तो गोदान उसमें भी व्यंग है, मुंशी प्रेमचंद जी ने उस समय की व्यवस्थाओं पर व्यंग किया है, और सारी रचनाओं में व्यंग के बिना तो कहीं कुछ है ही नहीं। और आपने अभी बात की है पोस्ट ऑफिस की, पर्यावरण दिवस की, मुझे किसी की पंक्ति याद आ गई है कि पर्यावरण दिवस पर एक नेताजी ने एक पौधा लगाया। देखिए व्यंग का कि पर्यावरण दिवस पर एक नेताजी ने एक पौधा लगाया, एक बकरे ने पौधे को देखा और फिर खाया। बकरे क्या हाव भाव नेताजी को इस कदर भा गए कि शाम के डिनर में नेताजी बकरे को ही खा गए। बढ़िया हमारे जी स्वागत। बहुत तेजी से हास्य कविताएं लोकप्रिय हो रही हैं, तो इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं, क्यों इतनी तेजी से हास्य कविता लोकप्रिय हो रही है? जी बिल्कुल, ये आपका ये सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज के इस समय के अनुकूल है। अगर आप देखेंगे, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हास्य कविता की अगर परंपरा को हम देखेंगे तो हिंदी में काका हाथरसी जी को ये श्रेय जाता है, उन्होंने मंच पर हास्य कविता को स्थापित किया है और बहुत ज्यादा लंबा समय भी नहीं बीता है। क्योंकि क्या होता है कि कभी मंचों पर श्रृंगार के कवि छाए रहते थे, और एक दौर ऐसा आया कि ओज के कवि यानी वीर रस के कवि भी छाए रहते थे,
आज से के कवि को लोग कभी नहीं मानते थे, वो नीचे बैठे रहते थे। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे समाज में हास प्रयास था, हमारे सामाजिक रिश्तों में जीजा और साली में हंसी ठिठोली थी, भाभी और देवर में हंसी ठिठोली थी, हमारा जो सामाजिक ताना बाना था वो बिल्कुल हास्य में हम लोग सब जुड़े हुए थे, इसलिए हमने हास्य रस को ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी। मगर आज के बेगटन के दौर में, आज के टेंशन के युग में, आज जहां पर हर आदमी कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत शिकार पाता है टेंशन के, ऐसे में हंसी हमारे लिए पीछे छूटती जा रही है। और जो चीज हमारे पास नहीं होती है, जिस चीज की कमी होती है, हम उसको प्रमुखता देते हैं। यही कारण है हास्य कविताएं आजकल लोग सुनते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा सर, जैसे अभी आप हमारे साथ इस शो में, द टीचर शो में लाइव कविता पढ़ रहे हैं अपने फोन के माध्यम से, लेकिन ऐसा ये कोरोना के कारण हो रहा है, अन्यथा आप जैसे प्रतिष्ठित, आप जैसे महंगे कवि को आमंत्रित करना हमारी क्षमता से बाहर की बात थी। तो मैं इसी क्रम में अगला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा शाह जी, कि जब मंचीयता है, जब हम आप मंचों में कविता पढ़ते हैं बड़े बड़े कवियों के साथ, तो उसमें जो प्रस्तुति है उसका कितना महत्व है, किस तरह की प्रस्तुति की जानी चाहिए? जी बिल्कुल, ये एक जो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और आप देखेंगे कि अच्छी कविता लिखना अलग बात है और उसको प्रेजेंट करना दूसरी बात है। एक कवि को अपनी कविताएं पहुंचानी पड़ती है। अगर आपकी बात नहीं पहुंच पा रही है तो आपने कितना अच्छा लिखा। जी माफ कीजिएगा, आवाज थोड़ी सी उसमें आ रही थी। तो आपने कितना अच्छी कविताएं लिखी, आपने कितना अच्छा कुछ किया है, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन अगर अच्छा नहीं होगा तो लोगों की बात पहुंचेगी नहीं। आप देखिए कि मंचों पर जो लोग सुनने आते हैं उनके पास बहुत कम समय होता है, वो आपकी कविता तुरंत पकड़े और तुरंत आपको प्रतिक्रिया दे दे, ये बहुत जरूरी होता है। जब हम पत्र पत्रिकाओं में किसी की कविता पढ़ते हैं तो हमारे पास एक समय होता है उस कविता को समझने के लिए, लेकिन मंच पर जब हम कविता किसी की सुनते हैं तो हमारे पास बिल्कुल समय नहीं होता है, तो हमें तुरंत बात समझ में आनी चाहिए। और इसके लिए मंचीयता और प्रस्तुति का बहुत बड़ा योगदान है। ये लाइव शो है, मंचीय कवि सम्मेलन भी एक लाइव है, एकदम लाइव क्रिकेट की तरह है। और ऐसा भी नहीं कि कभी कभी बहुत बड़े बड़े कवि भी कभी किसी मंच पर फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो क्रिकेट मैच की तरह होता है, कब कौन सी गेंद आएगी कोई नहीं कह सकता। जी बिल्कुल, तो प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। शाह जी आप कवि होने के साथ साथ एक शिक्षक भी हैं, तो हम इसी इस विधा को शिक्षा में हम कैसे और कितना प्रयोग करते हैं, और जब आप बच्चों के साथ कविता को लेकर प्रयोग करते होंगे तो बच्चे इससे क्या सीखते हैं और उनके व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन आते हैं? जी बिल्कुल, ये अगर कविता की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि जब पूरी दुनिया में गद्य का विकास नहीं हुआ, पत्र पत्रिकाएं, अखबार, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना नहीं हुई, तब भी कविताएं लिखी जाती थी। और ऋग्वेद, जिसे पूरे विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ कहा जाता है, वो भी कविता में ही है, वो भी गीति में ही है। तो यानी कविता का संबंध जो है हमारे प्राचीन काल से है। जब भाषा का ठीक से विकास नहीं हुआ था तब भी कविता थी, क्योंकि कविता संवेदनाओं की चीजें हैं। वो वैसी कविता जो संवेदनाओं से जुड़ी हुई है, उसी के मार्फत ही हम बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। जैसे कि हमें बचपन से एक कविता याद है, शायद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की है, कि उठो लाला आंखें खोलो, पानी लाई मुंह धोलो, तो बीते रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले। तो ये हम बच्चों को जो संस्कार की सुबह उठना है और आपको किस समय उठना है, कैसे आपको ब्रश करना है, कैसे आपको ड्रेस पहननी है, कैसे आपको स्कूल जाने के लिए तैयार होना है, ये सारी चीजों की शिक्षा हम कविताओं के माध्यम से देते हैं। और कविता चूंकि लयात्मकता होती है, उसमें एक संगीतात्मकता होती है, और उन चीजों को बच्चे बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, बहुत जल्दी उसका संप्रेषण बहुत तेजी से होता है, इसलिए बच्चों तक बहुत आसानी से वो चीजें पहुंचती है। अब देखिए, हमें मुझे याद है कि कई बार वो सोहनलाल द्विवेदी जी की बहुत सी कविताएं हैं कि फूलों से हंसना सीखो और कलियों से मुस्कुराना। तो बच्चों में इस तरह की आदतें कि हमें हंसना कैसे है, हमें बोलना कैसे है, हमें बड़ों को रिस्पेक्ट कैसे देना है, हमें सारी दुनिया की समझ, सूरज क्या है, चांद क्या है, पृथ्वी क्या है, ये सारी समझ विज्ञान की भाषा भी कविताओं के माध्यम से दी जाती है, और उसको बच्चे
एक्सेप्ट ही करते हैं और वो देर समय तक उनके मन मस्तिष्क में वो सारी बातें रहती भी है जिसका प्रभाव आगे भी पड़ता है। हाँ भट्ट जी जी शाहजी, अभी हम कविताओं को सुनने का दौर जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच हमारे इस कार्यक्रम में एक और सेगमेंट है जिसमें हमारे श्री गिरी जोशी जी हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो पांच सवाल पूछते हैं, उनके जवाब ऑडियंस को देने होते हैं। तो कल जो हमने पांच सवाल पूछे थे उनके जवाब वो स्वयं देंगे और उसके आज के सवाल पूछेंगे साथ में। तो मैं कुछ समय के लिए जोशी जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आज कल के प्रश्नों के जवाब दें और साथ में आज के सवाल पूछेंगे। जी स्वागत। कल का सवाल कल का पहला सवाल था कि हमारे यहाँ किन पौधों को सुरमा और सुलभा के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर है तुलसी जी को हम सुरमा और सुलभा के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न था कि भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं में हव्य और कव्य क्या है। तो जो देवताओं को सामग्री दी जाती है उसको हव्य बोलते हैं और पितरों को दी जाने वाली सामग्री को कव्य बोलते हैं। तीसरा प्रश्न था सुप्रसिद्ध ज्योतिर्नाथ मुखर्जी भारतीय इतिहास में किस घटना से संबंध रखते हैं। इसका उत्तर ये है कि बालासोर उड़ीसा के पास चांदीपुर में सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी ज्योतिर्नाथ मुखर्जी हुए थे जिन्होंने निहत्थे बाघ को मारकर बाघा जतिन नाम से का उपनाम पाया था और भारतीय इतिहास में उनका नाम बाघा जतिन के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है। चौथा प्रश्न था कि किरकल नाग धनाज्य और देवदत्त हमारी परंपराओं में किन के प्रकार माने गए। और इसी तरह पांचवा प्रश्न था ब्राह्म्य दिव्य पितृ प्रजापत्य बृहस्पति सौर चंद्र सायन और नक्षत्र क्या हैं, किससे संबंधित हैं। तो पांचवा प्रश्न जो है सूर्य सिद्धांत में आवाज आ रही है, सूर्य सिद्धांत में समय के नौ चक्र बताए गए हैं। आ रही आवाज आ रही सर। नौ चक्र बताए गए हैं, वो नौ चक्र ब्राह्म्य दिव्य पितृ प्रजापत्य बृहस्पति सौर चंद्र सायन और नक्षत्र ये हैं। किरकल नाग धनाज और देवदत्त ये हमारे शरीर में जो दस वायु हैं उनमें से पांच के नाम हैं, चार के नाम हैं। शरीर में विद्यमान वायु को दस वायुओं में से चार के नाम मैंने आपसे पूछे थे। और जो पांचवा प्रश्न था वो सूर्य सिद्धांत में वर्णित समय के नौ चक्र हैं। आज के पांच प्रश्न मैंने आपको भेज दिए थे, आपके पास हैं लिखे हुए सर? वो स्क्रीन में नहीं चल पाएंगे अभी क्योंकि देर से मिले, तो आप पढ़ मैं अभी कार्यक्रम के अंत में पूछता हूँ, कार्यक्रम के अंत में पूछता हूँ। हम जैन शाह जी से, क्योंकि आज चेहरा मुस्कुरा रहा है ना प्रोग्राम में, सबके हंसते हुए चेहरे आए हैं, व्यंग के हिसाब से बहुत अच्छी चोट कर रहे हैं। जी जी जी, तो शाहजी एक बार फिर से आपका स्वागत है सर कार्यक्रम में, और हम चाहेंगे कि कविताओं का दूसरा दौर आप शुरू करें। इससे पहले कि आप हम आपसे एक नई कविता सुने, क्योंकि आप खुद व्यंग के कवि हैं, हास्य के कवि हैं, तो आपका पसंदीदा कवि कौन है हिंदी साहित्य में, हास्य व्यंग की अगर मैं बात करूं तो? देखिए एक तो हास्य व्यंग की कविताएं बहुत हैं, बहुत लोगों ने अच्छा लिखा है, अशोक चक्रधर जी ने बहुत अच्छा लिखा है और उनके पास बहुत कविताएं हैं, इतनी कविताएं हैं उनके पास। आज तो मंचों पर की स्थिति यह है कि जिनके पास कविताएं नहीं है वो चुटकुले के माध्यम से वो भी कवि बन गए हैं, लेकिन काका हाथरस जी की जो परंपरा है कविताओं के माध्यम से सरस हास्य को पैदा करना, इसमें अशोक चक्रधर जी रहे हैं। उल्लार मुरादाबादी जी का भी रहा है ठीक, लेकिन
जो वैरायटी अशोक चक्रधर जी के पास है वो मुझे लगता है कि आज के जो युग के जितने कवि हैं उनमें वो विधाएं नहीं है, उतनी सारी विभिन्नताएं नहीं है। और हाँ भट्ट जी, जी 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 थोड़ा आपकी इस जवाब भी दिए जाते हैं और काफी रोचक है, ज्ञानवर्धक भी है, रोचक भी है। और उसके साथ साथ मतलब आज के इस लॉकडाउन में लाइव सेशन को आपने जिस तरह से सजाया है, संवारा है, मैं पुनः आप सभी का पुनः आभार प्रकट करता हूँ, पुनः बधाई देता हूँ। ये एक नई एक मौलिक सोच है और निश्चित रूप से ये एपिसोड धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और मेरा पूर्ण विश्वास है कि लोग 7 बजे इसका इंतजार करेंगे मोबाइल पर। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, और आपका धन्यवाद भी देते हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और साथ में जो शिक्षक पूरे देश भर से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनका भी हम स्वागत और धन्यवाद करते हैं, और साथ में अनुरोध करते हैं कि यदि वो इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करना चाहते हो तो कृपया अपने बारे में विस्तृत जानकारी स्क्रीन पर लिखे नंबर पर मेल करें या व्हाट्सएप करें या भगवान जी या जोशी जी से संपर्क करें यदि आप उनके संपर्क में हो, अन्यथा आप फेसबुक में भी टिप्पणी कर दें कि आप इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, तो हम आने वाली कड़ियों में आपको भी इस कार्यक्रम में इस मंच पर लाने की कोशिश करेंगे। तो सुनते हैं जैन जी से कविताओं का अगला दौर। चलिए, चूंकि एक जिम्मेदारी ये बनती है, कविताएं हास्य की बहुत सी है लेकिन आज मैं एक ऐसे मंच पर हूँ जो द टीचर शो के नाम से है और हमारी जिम्मेदारी बनती है, हालांकि हंसना हंसाना भी इस युग में बहुत कठिन काम है, तो एक कविता की तरह मैं लिए चलता हूँ जिसका शीर्षक है अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। तो मैंने अभी ये कविताएं लिखी है और बहुत ज्यादा मंच पर अभी इस कविता को लेकर नहीं गया हूँ, तो 2-4 लाइव शो में ही मैंने कविता पढ़ी है और लोगों का खूब ढेर सारा प्यार मिला है, और मुझे यकीन है कि इस द टीचर शो में जिस तरह का प्लेटफॉर्म है, जिस तरह के बौद्धिक लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इससे जुड़े हुए हैं, उन तक ये कविता पहुंचनी चाहिए ऐसा मैं मानता हूँ। अश्वत्थामा चूंकि आप सब जानते हैं महाभारत का एक पात्र है जो गुरु द्रोण के पुत्र थे और कौरवों के पक्ष में युद्ध कर रहे थे, वो जन्म से ही कुछ ऐसे विशेष मणि लेकर के उत्पन्न हुए, उनको शिव जी का वरदान था कि वो अजर अमर रहेंगे, और नर दानव देव यहाँ तक कि पशु पक्षी भी उनका वध नहीं कर सकता है, ऐसा वरदान लेकर के वो इस धरती पर आए थे। मगर कुछ ऐसी घटना घटी और उन्होंने पांडवों के सोते हुए पुत्रों को मार डाला, और ब्रह्मास्त्र जो बहुत भीषण अस्त्र होते थे उस समय उसको भी उन्होंने चलाया था, और जिससे श्री कृष्ण जी ने कुपित होकर के उन्हें अभिशाप दिया कि तुम जिंदा रहोगे मगर अभिशाप नहीं वरदान की तरह। तो अश्वत्थामा के लिए वो अभिशाप वरदान ही अभिशाप बन गया है, और ऐसी जनश्रुति है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है और उनका शरीर गल रहा है, उनका देह गल रहा है और वहां से खून टपक रहा है मगर उन्हें मुक्ति नहीं मिल रही है। तो आइए उसी विषय को लेकर के एक कवि की कल्पना कहां तक पहुंचती है, मैंने अश्वत्थामा से बात करने की कोशिश की है और अश्वत्थामा ने पलट कर किस तरह से जवाब दिया है, यही इस कविता की भूमिका है। तो भट्ट जी मैं प्रारंभ करूं अगर आपकी अनुमति हो। देखिए, चलिए मैं शुरू करता हूं कि अश्वत्थामा किस रूप में हमारे समाज में जीवित है और कैसे। हाँ भट्ट जी प्रकट हो रहे हैं, आप सामने रहते तो बड़ा अच्छा लगा रहता है, हालांकि मैं जानता हूं कि आप जुड़े हुए हैं और लाइव ही नहीं आप मन से भी हमसे जुड़े हुए हैं। कि पहले अंश में मैंने अश्वत्थामा से बात की कि सुनो सुनो अश्वत्थामा, तुम रहोगे जीवित इस धरा पर जब तक तहस नहस ना हो जाए पूरी सृष्टि और सूरज का आग उगलता हुआ गोला आकर ना गिरे तुम्हारे कलेजे पर। क्या बात, सुनो सुनो अश्वत्थामा, तुम रहोगे जीवित इस धरा पर जब तक तहस नहस ना हो जाए पूरी सृष्टि और सूरज का आग उगलता हुआ गोला आकर ना गिरे तुम्हारे कलेजे पर। सुनो अश्वत्थामा, तुम रहोगे जीवित इस धरा पर मगर वरदान नहीं अभिशाप की तरह,
बिना देह और बिना स्नेह के दर दर आत्मा का बोझ उठाए, बिना देह और बिना स्नेह के दर दर आत्मा का बोझ उठाए। सुनो अश्वत्थामा सुनो, तुम गुरु द्रोण के पुत्र थे, कौरव पांडव के सूत्र थे, शास्त्रों के परम ज्ञानी, ब्रह्मास्त्र के भी धनी, फिर तुमने कैसे धैर्य खोया, कायर बनकर शौर्य खोया। पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनो अश्वत्थामा सुनो, तुम गुरु द्रोण के पुत्र थे, कौरव पांडव के सूत्र थे, शास्त्रों के परम ज्ञानी, ब्रह्मास्त्र के भी धनी, फिर तुमने कैसे धैर्य खोया, कायर बनकर शौर्य खोया। तुम्हें 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 याद रहा केवल युधिष्ठिर का एक असत्य वचन, तुम भूल गए भरी सभा में एक नारी का चीर हरण। कि तुम्हें तुम्हें याद रहा केवल युधिष्ठिर का एक असत्य वचन, तुम भूल गए भरी सभा में एक नारी का चीर हरण। तुम भूल गए दुस्शासन का दुस्साहस, शकुनी का अट्टहास, स्त्री जाति के सतीत्व पर अंगराज कर्ण का उपहास। तुम भूल गए पांडवों का वनवास, कौरवों की चाल, पुत्र मोह में थिरकते एक आत्ममुक्त राजा के कदम साथ। सुनो अश्वत्थामा, अगर सच्चे मित्र थे दुर्योधन के, तो युद्ध तो ताले होते, जब केशव मांगने आया था पांच गांव, अरे कुछ तो बोले होते। निवेदित करता हूं बट जी, आप सबका आशीष चाहिए कि सुनो अश्वत्थामा सुनो, अगर सच्चे मित्र थे दुर्योधन के, कुछ तो बोले होते। अरे सच्चे मित्र थे दुर्योधन के, युद्ध तो ताले होते, जब केशव मांगने आया था पांच गांव, कुछ तो बोले होते। तुम्हें लगा हस्तिनापुर की आंख में तो पट्टी बंधी है, इसीलिए पूरी दुनिया ही यहाँ बहरी और अंधी है। अरे प्रतिहिंसा की ज्वाला में तुम्हें सच्चाई भी नहीं दी दिखाई, अरे सोते हुए शिशुओं पर तनिक दया भी नहीं आई। अरे निर्मोही सुनो, तुम रहोगे जीवित नहीं मिलेगी मुक्ति की भीख, तुम रहोगे जीवित इस धरा पर, सुनने को अपनी अंतरात्मा की चीख। ये एक पहला अंश था जिसमें कवि ने अश्वत्थामा से कुछ सवाल किए, अश्वत्थामा ने उसका क्या उत्तर दिया है, ये कविता का दूसरा अंश है। मैं निवेदित करता हूँ और जुड़े रहिएगा मुझसे, बहुत अच्छी कविता आज के संदर्भ में मैंने जोड़ने की कोशिश की है। अब अच्छी बन पड़ी है नहीं बन पड़ी है आपकी प्रतिक्रिया के माध्यम से मुझे ज्ञात होगा। अरे निर्मोही सुनो, तुम जीवित रहोगे नहीं मिलेगी मुक्ति की भीख, तुम रहोगे जीवित सुनने को अंतरात्मा की चीख। मेरा इतना कहना था कि आकाश में हुआ भीषण हुंकार, बिजली चमकी सहसा नभ में, धरती में गूंजी टंकार। एक प्रेतात्मा की छाया सी मेरे सम्मुख प्रकट हुई, कहने को अपनी वेदना मेरे और निकट हुई। सहसा हुई आकाशवाणी, अट्टहास की गूंजी ध्वनि, बोला हे कवि, मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर, जब तक रहेंगे सूर्य तारे और चंद्र तारे और रवि। बोला हे कवि मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर, जैसे पुण्य के साथ है पाप, अच्छाई के साथ बुराई, और वरदान के साथ है अभिशाप। मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर, अश्वत्थामा क्या कहता है कि मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर, मैं जानता हूं मेरी जीत ना सही, मगर होगी तुम्हारी हार। तुम युगो युगो से कर नहीं पाए मेरा अब तक संहार, मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर। अब देखिए अश्वत्थामा किस माध्यम से जीवित है, मैं रहूंगा जीवित जब तक पलती रहेगी द्वेष की भावना मनुष्य के मन में, मैं रहूंगा जीवित जब तक जलती रहेगी प्रतिहिंसा की ज्वाला जन जन में। मैं रहूंगा जीवित स्त्रियां लगाई जाती रहेंगी जब जब दांव पर, मैं रहूंगा जीवित नमक छिड़के जाएंगे जब जब यहाँ घाव पर। मैं रहूंगा जीवित, अश्वत्थामा किस रूप में जीवित है, किन प्रतीकों के माध्यम से जीवित है,
जो जनश्रुति है वो जनश्रुति किस माध्यम से जीवित है, मैं अपनी पंक्तियों के साथ सौंपना चाहता हूं कि मैं रहूंगा जीवित जब जब घटेगी निठारी सी घटना, जब जब घटेगी निठारी सी घटना निर्भया सा अपराध, मैं रहूंगा जीवित तुम्हारे भीतर सभ्य समाज में निर्विवाद, मैं रहूंगा जीवित, मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर, जब जब उठेगा किसी निहत्ते पर अस्त्र, जब जब खींचे जाएंगे किसी अबला के वस्त्र, जब जब भूख गरीबी से बच्चे अकुलाएंगे और जात पात धर्म मजहब के नाम इंसान छले जाएंगे। ये मैजिक शो है द टीचर शो का साहब, आपने हास्य व्यंग की पंक्तियों को जितना प्रेम दिया है उससे भी गहरी, उससे भी ज्यादा प्रेम आपका मिल रहा है एक ऐसी कविता पर जो संवेदनाओं की कविता है साहब, आज के समाज की अश्वत्थामा किन माध्यमों में जीवित है, और एक कवि की कल्पना देखिए कि मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर, जब जब उठेगा किसी निहत्ते पर अस्त्र, जब जब खींचे जाएंगे किसी अबला के वस्त्र, जब जब भूख गरीबी से बच्चे अकुलाएंगे और जात पात धर्म मजहब के नाम इंसान छले जाएंगे, मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर, जब जब मानव के हाथों शोषण होगा मानवता और गूंजेगा साहस सियासी दानव, जब जब धरा पर, जब जब श्यामल धरा पर बीज नफरत के फूटेंगे, भूखे मरेंगे कोयल और गिद्ध मांस नोचेंगे। पंक्तियां सौंपता हूं मिर्ची बाबा जी को सादर प्रणाम करते हुए कि देखिए, जब जब श्यामल धरा पर बीज नफरत के फूटेंगे, भूखे मरेंगे कोयल और गिद्ध मांस नोचेंगे, मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर, जब जब होगा अंधेरों का साम्राज्य और रोशनी होगी कलंकित, मैं रहूंगा जीवित, मैं रहूंगा अश्वत्थामा कह रहा, मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर, जब जब होगा अंधेरों का साम्राज्य रोशनी होगी कलंकित, समझ लेना तुम्हारे भीतर मेरा अस्तित्व आज भी है सुरक्षित, अरे 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 मुझे मारने से पहले, अरे अरे मुझे मारने से पहले झाक तो लेते अपनी अंतरात्मा को, मैं महाभारत का पात्र मात्र नहीं, पहचान तो लेते अपने भीतर के अश्वत्थामा को, सहसा रुक सी गई समय की गति बहे अश्रु के धार, सुन सुनकर अश्वत्थामा की अविरल चीख पुकार, और आखिरी पंक्ति सौंपता हूँ, पूरा एक घंटे का शो हो चुका है साहब अश्वत्थामा की इन कविताओं के और इन पंक्तियों के बाद मुझे लगता है कि कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, ये वो कविता है जिसकी भूमिका की आवश्यकता ही नहीं होती है कि सहसा सहसा रुक सी गई समय की गति बहे अश्रु के धार, सुन सुनकर अश्वत्थामा की अविरल चीख पुकार, है लेखनी लज्जित, बड़े कलमकार बैठे हुए हैं यहाँ पर, भट जी बहुत सुंदर लिखते हैं, मिर्ची बाबा जी के क्या कहने, देखिए हमारी लेखनी कहाँ लज्जित हो जाती है लेखनी लज्जित, कलम भी शर्मिंदा है क्योंकि अश्वत्थामा आज भी हमारे और तुम्हारे भीतर आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है, आज भी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया साहब, शाह जी आपने कमाल कर दिया, तुसी ग्रेट हो जी, छा गए तुसी, मजा आ गया, तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, कवियों के लिए तालियां ऑक्सीजन का काम करती है, तालियां ना हो तो कवियों को रिचार्ज और चार्ज करना मुश्किल हो जाता है, वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, लेकिन हमारे आज के कवि बगैर तालियों के भी चार्ज रहे और फुल चार्ज रहे और बिना किसी हमें तो साहब आपकी मूछो ने हमें चार्ज कर दिया है, क्या मूछे आपकी है साहब, मूछे हो तो नथुलाल की जैसी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आनंद आया सच में, कविता पढ़ने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, हम मंच पर भी कविताएं पढ़ते हैं और कई तरह के कार्यक्रम होते हैं, कई तरह की गोष्ठियां होती है, देश के विभिन्न प्रांतों में भी गए हैं, लेकिन अपनों के बीच में अगर हम आते हैं, हम सब टीचर है, हम सब की कम्युनिटी एक है, और अपनों के बीच में जब हम कोई काम करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है, इसलिए खुशी होती है और इसीलिए ये प्लेटफॉर्म भी है द टीचर शो का, मैं तो निवेदन करूंगा बार बार कि भट्ट जी ने जो और मिर्ची बाबा जी ने दोनों ने मिलकर के जो इन्होंने काम किया है इसके लिए बहुत बहुत बधाई है आप, और जो भी टीचर जिनके पास कोई भी प्रतिभा हो जो समाज के लिए लाभदायक है वो यहाँ इस प्लेटफॉर्म में आकर के उसका मुजाहरा करे, हम सब उसका आनंद उठाए, उसका लुत्फ उठाए, इन सब शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबका
आभार प्रकट करता हूँ। बहुत शानदार कार्यक्रम, बहुत जानदार कार्यक्रम, बहुत वजनदार कार्यक्रम। धन्यवाद साजी। हमारे बीच भुवनचंद जोशी जी आपको नमस्कार भेज रहे हैं, साथ में मोहन चौहान जी, रूपा बिष्ट जी, सरिता बिष्ट जी, मोहन चौहान जी, पल्लव जोशी जी, कौशलेंद्र भट्ट जी, फिर अपूर्व पंत जी दिल्ली से, ज्योति गांधी जी, और उसके बाद हास्य कवि वेद प्रकाश अंकुर जी आपको नमस्कार भेज रहे हैं, जिंगा लाला बोल रहे हैं, और गढ़वाल से गजेंद्र पटेल जी हमारे बीच जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे पास एच डी साहिल जोशी जी के बहुत सारे संदेश हैं, सरिता बिष्ट जी के बहुत सारे संदेश हैं। मैं इतने सारे संदेशों को पढ़ पाना भी एक साथ संभव नहीं है। तो दिनेश जोशी कह रहे हैं जय भाई वाह। तो मैं मिर्ची बाबा जी हमारे साथ हैं, रोज के शो की मॉनिटरिंग करते हैं कि कितने दर्शक हमारे शो को देखते हैं। ये हमारा 5वां एपिसोड है। मैं एक बार सुना बड़ जी थोड़ा सा रोकते हुए आपको, मैं आप स्थिति ये ऐप ऐसा है कि ये कमेंट फेसबुक पे लाइव हो रहा है और मुझे यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो जितने मित्र जुड़े हैं, चाहे वो दिल्ली से हैं, देहरादून से हैं, दिनेश जी है, दिनेश जोशी जी हमारे अच्छे मित्र हैं, और वेद प्रकाश अंकुर जी है, अच्छे व्यंग्यकार हैं आप भी हल्द्वानी से, तो जो भी मित्र हमारे इसमें जुड़े हुए हैं, मैं उनको उनकी प्रतिक्रियाओं का उत्तर तो नहीं दे पाया हूँ, लेकिन मैं जब फेसबुक में लाइव देखूंगा तो बिल्कुल आपसे जुड़ूंगा। आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने समय दिया मुझे सुना। अभी बहुगुणा जी बताएंगे, बहुत सारे मित्र उनके पास भी भेज रहे हैं। पिछले 5 दिनों में कितने लोगों ने हमारे शो को देखा होगा सर? पिछले 5 दिन में आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल। पिछले 5 दिनों से मैं इसको लगातार देखता आ रहा हूँ, तो ये औसतन हर रोज 12,000 से 14,000 के बीच में लोग इसको रोज देख रहे हैं। अभी वाला मैं शाम को बताऊंगा थोड़ी देर बाद में, कल वाले को करीबन 12,500 से अवर होने दिखा था, और पहले वाले को 14,000 के आसपास था, दूसरे दिन करीबन 14,500 थे, तो औसतन 13,000 के आसपास लोग इसको रोज देख रहे हैं। और इसमें जो कमेंट आ रहे हैं वो कई राज्यों से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, कई राज्यों से, उत्तराखंड से, तो खैर बहुत सारे कमेंट्स इसमें आ रहे हैं। और बहुत सारे कमेंट्स क्या होते हैं मेरे पास में भी आते हैं जब हम लाइव शो में जाते हैं, अगर आप करेंगे सबके जवाब देने बहुत संभव हो नहीं पाते हैं, बहुत सारे इसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का। और इस शो में भाग लेने के लिए कई टीचरों से, अध्यापकों से मेरी बात हुई है, और मैं आपको मेरे घर में आपको उनके नाम दिए हैं, 2-3 लोगों के नाम मैं आपको दे दूंगा। कुछ लोग बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे चित्रकार हैं, बहुत अच्छे संगीतकार हैं, उन लोगों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है। तो अगले 4-5 दिन में, अगले 5-7 दिन में जब भी उनका नंबर आएगा तो निश्चित रूप से वो तो जोशी सर को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आज के सवाल लेकर के, जोशी सर। उसके बाद हमें देखिए आज का पहले तो शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। शाह जी बहुत आनंद आया प्रोग्राम में, आपके प्रति आभार, बहुत आभार। सुनेंगे आपको, बहुत कभी दिल्ली आए तो मिलिएगा। आज का पहला प्रश्न है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प कौन कौन से हैं? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प कौन कौन से हैं, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है दिशा किन्हें कहा जाता है? Am I clear? My sound is clear? Yeah, yeah. जी 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 दूसरा प्रश्न था दिशा किन्हें कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है कि ऑस्टियोब्लेमा वेलांगिरी से क्या समझते हैं, ये क्या है? ऑस्टियोब्लेमा वेलांगिरी, वेलांगिरी से हम क्या समझते हैं, ये क्या है? चौथा प्रश्न है लोक जनश्रुति के आधार पर किस प्रसिद्ध मंदिर को कुम्हार सेवक की भक्ति से जोड़ा जाता है? कौन से मंदिर को हम कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार जाति के जो लोग हैं उनकी भक्ति से जोड़ते हैं? और पांचवा प्रश्न है कि प्राचीन भारत में कर्णेजय किन्हें कहा जाता था? पांचवा प्रश्न है प्राचीन भारत में कर्णेजय किन्हें कहा जाता था? कल इनके उत्तर देंगे फिर हम लिखित में इसमें।
जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत ये प्रश्न हमारे दर्शकों, श्रोताओं, शिक्षकों, साथियों की संस्कृति के प्रति जानकारी बढ़ाएंगे, उनके अवेयरनेस को और बढ़ाएंगे। मैंने आपसे एक चैलेंज लिया था, मैंने आपसे चैलेंज लिया था, आपने कहा था प्रश्नों की, जब मैंने बात की था, मतलब गूगल में सब मिल जाएगा, गूगल में थोड़ा डिफिकल्ट है, गूगल में इन प्रश्नों का उत्तर थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए तो सर आपको सौंपी थी। नहीं, सौंपा मुझे नहीं है, हम चाहते थे कि सारे दर्शक जो है वो अपने अपने छात्रों से पूछे, अपने घर में अपने बेटे बेटियों से पूछे कि यह क्या होता है, ताकि इसमें कुछ इनाम भी रखना चाहिए, जो पांचों प्रश्नों का सही उत्तर दे उसको आगे हम सोचते हैं कि आगे इनाम भी रखेंगे। जी सर, जो पांच के पांच प्रश्नों का सही जवाब देंगे उन्हें पांच लाल मिर्ची दी जाएंगी मिर्ची बाबा की ओर से। और बाकी लोग जैन साली के कविता संग्रह, हाँ बिल्कुल, पुस्तक देना शुरू करते हैं, पुस्तक देना शुरू करते हैं, चलिए। अच्छा, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों को, श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस पांचवें एपिसोड के लिए। आज आपको हंसते रहे, लेकिन हमें आज पता लगा कि जयंत शाह जी हंसने के साथ साथ गंभीरता में भी उनका कोई सानी नहीं है, जो अश्वत्थामा पर उन्होंने कविता सुनाई उसका कोई जवाब नहीं था। तो कल हम मिलते हैं हमारे एक नए शिक्षक साथी के साथ, जो जुड़े हुए हैं बहुत सारी विधाओं से, और बहुत सारा कल हम लाइव सीखेंगे, प्रैक्टिकल सीखेंगे इस लाइव शो में। मेरे साथ मेरे बगल में बैठ के सिखाएंगे, बहुत सारी चीजें बताएंगे, और जो दाढ़ी नहीं है आज कल फिर आ जाएगी उनके चमत्कार से, आप देखिएगा, कल चैलेंज है कि वो कैसे प्रकट हो जाएगी, तो कैसे जादूगर हमारे कल होंगे। कल मिलते हैं ठीक शाम 7 बजे। नमस्कार, शुभ रात्रि, सुबह खैर, नमस्कार, नमस्कार, आभार आपका।